नमस्कार प्रणाम। आज की इस दिन के पूर्व इस भाग में जैसे माननीय नरेंद्र सिंह जी ने एक डिबेट एक संशय आत्मनिर्भर भारत को लेके काफी सारे इम्पोर्टेंट पहलुओं पर रोशनी डाली। मैं जैसा कि पार्टी के तय कार्यक्रम के तहत स्वदेशी और स्वदेशी को खासकर खारकर ये तो महात्मा गांधी जी के साथ जोड़ा जाता है इसको, लेकिन आजकल के जमाने में इसे नया स्वदेशी या न्यू स्वदेशी के नाम से अगर आप कहें तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर जो नया नारा चला है। मेरी अपना वक्तव्य देने से पहले मेरी एक विनम्र प्रार्थना है कि मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी का भी लाइव वहाँ पर देख रहा था। देखिए, बोलने का मकसद ये है और हम लोग जो एक वक्त निकाल के आपसे संबोधन करने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोग भी अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ अपने विचार, तो प्लीज टॉपिक पे फोकस्ड रहें। मैं देख रहा कहीं ऑफ ट्रैक कमेंट्स पर शायद मुझे लगता है कोई प्लांट भी करता होगा। आपकी जो डिमांड्स हैं, आपके जो इश्यूज हैं, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर बिल्कुल उनके लिए सेंसिटिव है और प्रयासरत है कि उनका जल्द से जल्द समयबद्ध कड़ीबद्ध तरीके से उनका निवारण किया जाए। लेकिन कृपा करके ये स्वदेशी है तो स्वदेशी कॉन्सेप्ट को लेकर आज की मैं डिबेट जो इनिशिएट कर रहा हूँ, तो कृपा करके टॉपिक फोकस रहें तो आपकी बहुत बहुत आपकी मेहरबानी होगी। बात स्वदेशी की करें तो इसे मैंने जैसे पहले ही कहा कि महात्मा गांधी जी के साथ इसको जोड़ा जाता है, लेकिन अगर आप तथ्य इसमें फरो लें तो स्वदेशी की सबसे पहली बात 1905 में टाउन हॉल कलकत्ता में बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से भी कहा जाता था, उन्होंने शुरू की और बल्कि 1905 में ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। गांधी जी के तकरीबन भारत आने के तकरीबन को 10 वर्ष हुए और फिर ये ऐसा एक मूवमेंट, एक ऐसा जिसे बोले जन आंदोलन के रूप में बन गया कि ओपनली जितने भी स्वतंत्रता सेनानी बल्कि भारतीय जितने भी नेता और खासकर भारतीय जन साधारण ने विदेश में बने हुए जो प्रोडक्ट्स थे, ग्रुप्स थे, उनको रिजेक्ट करते हुए और खुद अपनी खादी का फिर से कहते हैं वो चरखा उसका व्हील स्पिनिंग व्हील को अपने आप में एक 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 सिंबल से कहते हैं एक एक प्रतीक बन गया भारत की अपनी आत्मनिर्भरता का, भारत के इतिहास का, भारत के गौरवशाली एक मोलू भारत की एक जो मुख्य धारा में आने के लिए लोगों का एक वहाँ पे एक एक बढ़ता एक समन्वय एक बढ़ता एक संकल्प बन रहा था। तो आखिरकार इस स्वदेशी मूवमेंट को अब सवाल तो ये जैसे मैंने कहा पहले स्वदेशी के लिए अब न्यू स्वदेशी नया स्वदेशी इस 21वीं सदी के भारत में स्वदेशी कहाँ तक रेलिवेंट है, ये एक लीड जिसे कहते हैं क्वेश्चन है, सबसे प्रमुख प्रश्न है आज का। मैं आपको बता दूं कि ये तकरीबन 100 वर्ष हो चले हैं बल्कि 100 वर्ष से भी ज़्यादा, 3 मेन नारे महात्मा गांधी जी ने जो स्वागत दिए, एक तो सर्वोदय जिसकी ओर केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार ने इस दिशा में काफ़ी काम किया है, दूसरा आ गया स्वच्छता, आपने देखा उसमें चाहे स्वच्छ भारत मिशन के तहत टॉयलेट बनाने की बात थी या चाहे सफाई की बात थी या चाहे वेस्ट प्रोडक्ट्स की रिसाइकलिंग या उनके कंट्रोल की बात थी, तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस मिशन पे भी काम किया गया। तीसरे प्रमुख नारे की बारी है स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब ये नहीं है, मेरी बात से अगर किसी को एतराज़ हो तो मैं उसके लिए माजरत चाहूँ, यह नहीं कि अपने बाहर के किसी प्रोडक्ट को हाथ ही नहीं लगाना। हम चाइना के गुड्स जला के अपना गुस्सा तो चाइना पे अजहार कर रहे हैं, बट एकदम हम चाइनीज गुड्स को अगर छोड़ दें तो हमारा मार्केट तो क्रैश हो जाएगा, हमें तो जरूरत की चीज़ें हैं नहीं मिल पाएगी। तो स्वदेशी का बेसिक जिसे कहते हैं कॉन्सेप्ट, एक मूल मंत्र ये है कि विदेशी प्रोडक्ट्स के मुकाबले में अपना प्रोडक्ट तैयार करना है और जो आपका प्रोडक्ट बने उसकी क्वालिटी विदेशी प्रोडक्ट से अच्छी हो और उसकी कॉस्ट विदेशी प्रोडक्ट से कम हो। अगर साफ और स्पष्ट शब्दों में इसको बोले, एक कैपेसिटी, स्वदेशी का मतलब है एक क्षमता अपने में विकसित करना
एक पोटेंशियल अपने इस भारत में विकसित करना, और खासकर मैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री उनका एक बड़ा इम्पोर्टेंट कोट है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया और इंग्लैंड ने काफ़ी नुकसान उठाया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उन्होंने कहा कि वी शुड हैव द कैपेसिटी टू डिराइव बेनिफिट आउट ऑफ एवरी क्राइसिस, टू डिराइव अपॉर्चुनिटी आउट ऑफ एवरी क्राइसिस। एक क्राइसिस से अपॉर्चुनिटी कैसे लेनी है, ये उनका जो नारा विंस्टन चर्चिल जी ने कहा, नेवर लेट ए गुड क्राइसिस गो वेस्ट। विंस्टन चर्चिल जी ने जो एग्जैक्ट कहा वहाँ पे, जो ये जो कोरोना क्राइसिस है जिसे कहते हैं आपदा को अवसर में बदलना, ट्रांसफॉर्मिंग क्राइसिस इनटू वाइबल अपॉर्चुनिटी, मैं बंधुपुरी शेष भारत माननीय नरेंद्र मोदी जी के धन्यवादी हैं। एक तरफ हमने जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा लड़ेंगे भी और बढ़ेंगे भी, लड़ाई तो की है इस कोरोना वायरस के साथ, लेकिन उसके साथ साथ एक प्रमुख भारत, एक नया भारत की एक नींव भी रखी है। अगर भारत की अर्थव्यवस्था को आप बड़े साफ और स्पष्ट शब्दों में अगर देखें, कच्चा माल प्रोड्यूस करने में भारत की जो क्षमता है वो शायद किसी विश्व का कोई ऐसा देश हो जिसके बराबर कच्चा माल भारत में पाया जाता है विकसित। लेकिन इसके साथ साथ विडंबना ये भी है कि शायद ही कोई ऐसा देश विश्व में होगा कि जो सबसे ज्यादा कच्चा माल अपना विदेश को भेजता है और विदेश से फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट से कहते हैं फाइनल प्रोडक्ट वहां से फिर इम्पोर्ट किया जाता है। दिस इज द मूल मंत्र, यही मूल मंत्र है आत्मनिर्भर भारत का और स्वदेशी भारत का, कि हमने अपनी अर्थव्यवस्था को इस तरीके से विकसित करना है कि कच्चा माल भी हमारे यहाँ बने और फिनिश्ड प्रोडक्ट भी हम बना पाए, और आहिस्ता आहिस्ता उस दिशा की ओर जाना है जिस दिशा में हम, बल्कि जिसे कहते हैं सिर्फ एक्सपोर्ट करें, इम्पोर्ट हमारा बिल्कुल मिनिमम मिनिमम कम से कम इम्पोर्ट की ओर चले जाएं, यही स्वदेशी का नारा मेरा मानना है। आप अगर प्रमुखतया तरीके से अगर आप इसको फिर दोबारा एक और अप्रोच देने की अगर आप कोशिश करें, तो मैं सबसे पहले इसमें बता दूं कि मैं इस स्वदेशी टॉपिक में बात करने से पहले अगर हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे स्वदेशी जागरण मंच की अगर हम बात करें, और स्वदेशी जागरण मंच की अगर बात करें तो उनके जो फाउंडर हैं दत्तोपंत थेनगाड़ी जी, जिनका एक प्रमुख उनका एक जो आइडियोलॉग उनका दी थर्ड वे जो किताब उन्होंने लिखी है, उस थर्ड वे में उन्होंने बड़ा तरीके से एक्सप्लेन किया है। वो कहते हैं कि स्वदेशी इज द आउटवर्ड प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पेट्रियोटिज्म, पेट्रियोटिज्म इज नॉट कंसिडर्ड आइसोलेशनिज्म नॉर ऑफ पेट्रियट्स अगेंस्ट इंटरनेशनलिज्म, देयर प्लीज फॉर नेचर सेल्फ रिलायंस आर नॉट इनकम्पेटिबल विद इंटरनेशनलिज्म प्रोवाइडेड द लेटर इज ऑन इक्वल फुटिंग विद रिगार्ड टू द नेशनल रिस्पेक्ट ऑफ एवरी कंट्री। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यही एक उस किताब में लिखा हुआ एक सेंटेंस ये भारत की जो नई स्वदेशी जो एक मूवमेंट, बल्कि अपने आप में जो जन आंदोलन है उसका मूल मंत्र, उसकी मुख्य धारा इस सेंटेंस में से मैंने अभी पढ़ा है, इसमें कंटेंट है उसमें। और मैं आज के माध्यम में पूरे भारतवर्ष को, खासकर जम्मू कश्मीर, मैं आपको अपील करना चाहता हूँ कि हम अपनी कैपेसिटी, अपनी प्रोपेंसिटी को इंक्रीज करें। ये सिर्फ कोई भाषण या जिसे कहते हैं भाषण अभिभाषण की बात नहीं है, एकदम इतने ही बीमारी। आप इसी साल 2020 को देखें कि जैन फेब में पहला केस, दूसरा केस, लगा ये भारत में आएगी नहीं, ये बीमारी क्या है, अभी भी इस बीमारी में पूरा स्टडी रिसर्च नहीं हो पाया, रोकना कैसे है, कैसे बनाना है। सबसे पहले तो भारत ही अकेला देश था जिसने प्रधानमंत्री जी ने एक कॉल दी कि बहने अपना दुपट्टा और भाई जिसे कहते हैं मित्रगण अपना जिसे कहते हैं गमछा, हम डोगरी में उसको परना भी कहते हैं, परना अपना लपेट के, और हर एक जैसे चाइना में मास्क की परेशानी आ गई, इतने मास्क कहाँ से लाएंगे, वो मास्क खरीदेंगे कैसे, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे एकदम, लेकिन हर घर में एकदम। फिर दूसरा बात चली अपना मास्क बनाइए घर में, दो चार रुपये की लागत से मास्क बनता है, और आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि 135 करोड़ के देश में शायद ही कोई ऐसा देशवासी होगा जिसके पास अपना मास्क ना हो। दूसरा चैलेंज था कि पीपीई किट, एक वक्त था कि भारत में एक भी पीपीई किट बनाने की कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी नहीं थी, लेकिन आज हम 4 लाख पीपीई
किट पर डे प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारी जो कैपेसिटी बन गई है और जो हमारी पीपी किट है, इसके पीपी किट के साथ आज भारत में कोरोना की टेस्टिंग का प्रावधान नहीं था। एक वक्त था कि दिल्ली में एक लैब ने शुरू किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता जम्मू में, अब तो जिला स्तर पर भी इसकी कोरोना की टेस्टिंग आज हम मेरा ख्याल है कोई विद 6 करोड़ के पास पास हमारी कोरोना टेस्टिंग पूरे देश में, भारतवर्ष में हम वहाँ पर पहुँच गए हैं। और किसके साथ? हमारी अपनी टेस्टिंग किट्स के साथ, वेंटिलेटर्स, मुझे लगता है पूरे मेडिकल कॉलेज में गिने चुने थे। मैं आज बात करूँ, कोई ज़िला अस्पताल ऐसा नहीं है कि जहाँ पर वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है। हाँ, कोई सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जहाँ वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है। हाँ, वो दूसरी बात है कि अभी ट्रेंड स्टाफ शायद देने की वजह से किसी ज़िला अस्पताल ये किसी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वेंटिलेटर ऑपरेशन में ना किए गए हों, लेकिन वो सभी वेंटिलेटर भारत में ही विकसित और तैयार किए गए हैं। और आपके ध्यान में ले आओ, ये कोरोना किट्स भारत में बनी, कोरोना टेस्टिंग किट्स, पीपीई किट्स, हमारे वेंटिलेटर्स, ये बाहर के बने हुए वस्तुओं के मुकाबले में सस्ते भी हैं और इनका क्वालिटी भी इससे बेटर है। तो मेरा मानना है कि अगर आप स्वदेशी की अगर बात करें तो इसके बिल्कुल 3 पहलू, सांस्कृतिक, राष्ट्रवादी और उसके साथ साथ जैसे कहते हैं अर्थव्यवस्था से मतलब, ये तीनों पहलुओं को अगर हम देखें, एक तो हमारे कल्चर को दर्शाते हैं, हमारा ओरिजिन, हमारे लोग, हमारे बुजुर्ग, उसके साथ हमारी एक इसकी एक क्लोज एक रेपोर्ट रहता है। मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैं रामनगर क्षेत्र में लाटी, धूना, गुड्डू, बसंतगढ़, आपके ध्यान में ले हो कि जो ये फड़की, हम लोई भी कहते हैं उसको डोगरी में, जो लोई फड़की लाटी धूना गुड्डू बसंतगढ़ के क्षेत्र में बनती है, वो पूरे प्रदेश में इससे बेटर हैंडलूम, जिससे बेटर लोई कहीं नहीं बनती। एक तो बनी कैसे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का भेड़ पालन वहाँ पर एक व्यवसाय है, तो भेड़ पालन के साथ उसकी जो ऊन है वो देसी खड्डी जो घर में एक बनाते हैं, उस खड्डी के साथ एक प्रावधान बन गया कम से कम कंबल या लोई जो अपनी बनानी है। लेकिन आज टेक्नोलॉजी के साथ महंगा कंबल तो आ गया, एक महंगा या बढ़िया कंबल तो आ गया, लेकिन वो जो हमारा जो कल्चर था, हमारे जो बुजुर्ग जो काम करते थे, जो लिबास था, जो पहनावा था, उसको तो हमने छोड़ दिया। और उसके साथ साथ ही हमारी कैपेसिटी प्रोपेंसिटी भी इसकी और क्षमता भी इसको घट गई। हमने इसमें प्रयासरत हैं, मैं खासकर गुड्डू बसंतगढ़ के जो साथी आज मेरे इस फेसबुक लाइव को सुन रहे हो, मैं आपको बता दूँ कि हमने डिपार्टमेंट ऑफ हैंडलूम्स और हैंडीक्राफ्ट्स दोनों को एक्टिवेट करके हम एक इनके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स 10 आदमी, 12 आदमी, 14 आदमी का क्लस्टर टाइप बना के हम उनको इलेक्ट्रॉनिक खड्डी, बिजली के साथ चलने वाली खड्डी, और उसके साथ साथ एक ट्रेनिंग और एक फाउंडेशन कार्यक्रम की भी तैयारी कर रहे हैं। इसी स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्ट के तहत हम स्कीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज बात करें हम JTEDI, आज जिला डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, और इसके साथ साथ हमारे जो किसान क्रेडिट कार्ड्स, इन सब पे सब्सिडाइज लोन तैयार किए जा रहे हैं और उन लोन के साथ फोकस दिया जा रहा है MSMEs। एक वक्त था कि व्यापार बिजनेस बड़े बड़े घरों के लोग, लेकिन आज ऐसा नहीं। आज सॉफ्ट टर्म लोन JTEDI, खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड और जिला इंडस्ट्रीज सेंटर के माध्यम से कोई भी मेरा जो अनएम्प्लॉयड नौजवान जो युवा है, वो इस लोन की फैसिलिटी को अवेल ऑफ करके अपना छोटा सा माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, अपना छोटा सा एंटरप्राइज, छोटा सा अपना व्यवसाय उसमें खोल सकता है और अपना भी पेट पालेगा, इसके साथ साथ अपने परिवार को भी कुछ रखेगा। मैं आपको बता दूं कि कोरोना काल का यही मंत्र है, ये नहीं कि अब काम बंद हो गया तो अपने खाना कमाए, अब लगाना ठीक नहीं है। घर में कोई बुजुर्ग बीमार है तो उसका इलाज नहीं करवाना, चूँकि पैसे लगते हैं। इसका अपनी इकोनॉमी को अगर आपने बूस्ट देना है, अपनी अर्थव्यवस्था को अगर आपने एक ठीक हालत में, ठीक कंडीशन में अगर आपने इम्प्रूव भी उसको रखना है, तो इसका सीधा मूल मंत्र यही है कि डिमांड ज़्यादा, परचेज ज़्यादा, खरीदना ज़्यादा, और उसके साथ साथ मनी का सर्कुलेशन जैसे इसमें बढ़ेगा। मुझे लगता है कि जितने भी मार्केट में, जिसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, अर्थव्यवस्था की भाषा में फ्लूडिटी कहते हैं, वो जो फ्लूडिटी होगी वो टोटल एंड होगी। ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज बनेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट रुक जाएगा और जो हमारी जो अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा, 2.9
2.9 ट्रिलियन डॉलर की हमारी अर्थव्यवस्था थी इस कोरोना काल से पहले, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय द एंड ऑफ 2024 का जो ये एक चैलेंज है, जो एक टारगेट, जो एक निशाना अपने लिए तय किया है, मुझे लगता है कि हम सभी इस ओर बड़ी मेहनत के साथ और बड़ी मशक्कत के साथ हमें समय इसकी ओर प्रयासरत रहना चाहिए। मैं आप सबका ध्यान इसमें इस सबके लिए ले आऊँ कि आज मैं छोटी सी एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। आज 59 चाइनीज एप्लीकेशन हैं जिनको बैन कर दिया गया है। आप देखें एग्जांपल आपको पास सेट करूँगा। अगर आप टिकटॉक, आजकल तो हर एक आदमी चला रहा है, तो टिकटॉक का पहला जो अपना जो ऑपरेशन था 3.5 करोड़ रुपया उनका पहले साल का जो रेवेन्यू टिकटॉक ने पहले साल जो अर्न किया। ऐप कहाँ की है? बाहर की, टेक्नोलॉजी बाहर की, लेकिन कंज्यूमर्स उसको यूज करने वाले, इसको रेवेन्यू अर्न करने वाले प्रमुखतया तौर पर भारत के। इसी तरीके से अगर पबजी, जो आजकल जो भारत में ज़्यादा प्रचलित, वो बच्चों में खासकर ज़्यादा चला, ये $7 मिलियन जिसे हम तकरीबन 4.9 करोड़ 5 करोड़ के लगभग आप लेके अगर इसको चलें, हर महीने भारत से पबजी का जो रेवेन्यू, जो पबजी प्रॉफिट से कहते हैं, नॉट रेवेन्यू, प्रॉफिट जो ये अर्न कर रहा था वहाँ पे, तो ये इसके एडवर्टीजिंग के माध्यम से इसमें आप देखें, मतलब कि ऐप बाहर की लेकिन मार्केट हम। तो क्यों ना हम अपना टिकटॉक, हमारा अपना पबजी, जैसे हमारी अपनी ऐप्स या कल को वो, जैसे हमने अपना वो जो एक फॉर्मेट आता था उसमें ज़्यादा हम अपने MS Word के डॉक्यूमेंट उसमें बना के हम ज़रा चलाते थे, कल को कोई और एप्लीकेशन उसमें आती थी, हम अपनी एप्लीकेशन डिवाइस करें ताकि जो रेवेन्यू उसमें जनरेट हो पाए वो हमारा हो उसमें, और जिस पर हमारा ही प्रमुखतया तरीके पर हमारा ही उस पर कारण रहे। ये मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से आज। लेकिन मेरा पॉइंट है कि ऐसे नहीं हम एक एग्रेसिव से कहते हैं इस दिशा की ओर चलें, एग्रेसिव नहीं, हम बाहर वाले को तो हम इन्वेस्ट कम्पीट कर ना पाए, लेकिन साथ साथ हम उसको बाहर भी निकाल दें, उससे मुश्किल बन जाए कि आज इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं, चाहे फ्रिज हैं, चाहे वॉशिंग मशीन हैं, चाहे ACs हैं, इनमें 80% जो मार्केट है चाइना, जापान और साउथ कोरिया के लोगों के पास है। स्वदेशी का यही नारा है कि अपना प्रोडक्ट उनके मुकाबले में उनसे सस्ता और उनसे बेटर क्वालिटी में, एक चैलेंज है। मुझे कोई पूछेगा कि ये चैलेंज क्या नरेंद्र मोदी जी के लिए चैलेंज है, या क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए चैलेंज है, या क्या जो एक ऑफिशियल ब्यूरोक्रेसी है इस भारत वर्ष की, क्या उनके लिए चैलेंज है? ये भारत के प्रत्येक 135 करोड़ जो हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें से हर बुजुर्ग, माता, बहन, नौजवान, बच्चा, हर एक के लिए भी चैलेंज होना चाहिए कि हमें अपनी इकोनॉमी को आत्मनिर्भर भी बनाना और हमें अपनी अर्थव्यवस्था को इसके साथ साथ एक स्वदेशी वाले रास्ते पे भी, जिसे कहते हैं बड़ी तेजी के साथ, बड़ी सक्षमता के साथ उस ओर हमें टर्न और ट्विस्ट करना है आज के दिन इसी प्रमुख तरीके पे। एक ऐसा भारत जो आत्मनिर्भर हो, एक ऐसा भारत जो अपने आप में वर्ल्ड लीडर, जिसे विश्व गुरु, जिसे बड़ा पढ़ना हमारा ये संकल्प है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो भारत जो आत्मनिर्भर हो, भारत जो स्वदेशी हो, भारत जो अपने आप में एक विश्व गुरु हो, इस भारत की ओर हमें ले जाना है। मैं जाने से खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि एक वक्त था कि एक योगा जो भारतीय लोग करते थे तो आज पूरी दुनिया मजाक में लेती थी, कहते हैं कैसे हो सकता है, आपकी कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स और आपकी बड़ी स्लो एक्सरसाइज के माध्यम से आप रोगों का निवारण कैसे कर सकते हैं। लेकिन आज आपके ध्यान में ले आऊँ कि योगा का जितना हिट भारत में या साउथ एशिया या एशिया में नहीं है, जितना बाहर के यूरोपियन कंट्रीज में योगा का एक प्रचलन है, और भारत के योगा इंस्ट्रक्टर्स दे आर अर्निंग लिविंग, जो बाहर जाके कई लाखों करोड़ रुपया वहाँ पर योगा क्लासेस से वहाँ कमा रहे हैं। एक वक्त था कि भारत के आयुर्वेद, भारत के होम्योपैथी को क्रिटिसाइज किया गया और कहा गया इस दवाई का तो कोई रिसर्च ही नहीं है, इस दवाई से कैसे हो सकता है कि जड़ी बूटी खाने के साथ एक इतने इतने विक्षण जिसे कहते हैं जानलेवा रोगों का कभी इलाज हो पाए। लेकिन भारत का आयुर्वेद, भारत का होम्योपैथी बन सके, भारत के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में हिट, क्या हम अपने ब्रांड्स को प्रमोट करके अपना स्वदेशी कॉन्सेप्ट नहीं चला सकते क्या? मैं इसी एग्जाम्पल और इसी इंस्टेंस के साथ मैं आप सब से आगे लूँगा, और जिसे कहते हैं कि बी स्वदेशी एंड बाय स्वदेशी, स्वदेशी रहें और स्वदेशी खरीदें और स्वदेशी ही बनाएं।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी ने बड़े सब्र के साथ अपना कीमती वक्त निकाल के हमें सुनने की, इसमें मैं उम्मीद रखूंगा कि इस कमेंट में भी आप देखें, बात करने का मकसद होता है टू इंडल्ज इन ए कंस्ट्रक्टिव डिबेट, टू इंडल्ज इन ए कंस्ट्रक्टिव डिबेट, यूजफुल डिबेट, जिससे काफी, मैं जो कह रहा हूँ दैट्स नॉट द गॉस्पेल ट्रुथ, ये कोई आखिरी शब्द नहीं है इसमें स्वदेशी को, आप भी सजेस्ट करें, आप भी अपना आइडिया दें ताकि स्वदेशी को इस भारत में, खासकर जम्मू कश्मीर में, कैसे बेहतर तरीके से हम एक्चुअलाइज करते हैं मौके पे, एक कामयाब और मौके पे एक रियलाइज कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया इसके साथ आप सबका, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.